बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी प्रणाम जी। आज मैं आप सबके सामने श्री राज जी महाराज और अपने बारे में बात करने जा रही हूँ। मेरे इस तन का नाम अंशिका है। मेरी आत्म का क्या नाम है यह तो मुझे नहीं पता, पर ये अवश्य पता है और आभास भी है कि ये आत्म श्री राज जी महाराज की अवश्य है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बात में इतने दावे से कैसे कह सकती हूँ, तो प्यारे सुंदर साथ जी इसका प्रमाण है मेरा जन्म, मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी और आप सब सुंदर साथ एवं सबसे बड़ी बात सरसावा में ज्ञानपीठ आश्रम जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ और सब सुंदर साथ से मिले संस्कार जो इस बात को दृढ़ करते हैं कि मैं श्री राज जी महाराज की हूँ और वह मेरे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी मैंने हमेशा देखा कि मेरे घर में मेरे दादा दादी नाना नानी घर में सदैव राज जी की ही बात करते हैं। शुरू शुरू में तो लगता था कि श्री राज जी महाराज भी किसी देवी देवताओं की तरह हैं जिन्हें हमें दुख सुख में याद करना चाहिए, परंतु धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वह हमारा कोई भगवान नहीं है बल्कि वह तो हमारे आत्म के पत्नी हैं और हम उनके अंश हैं। उदाहरण के लिए हम ये समझ सकते हैं अगर सागर है तो लहरें हैं, अगर सूरज है तो किरणें हैं। अगर सागर और सूरज ही नहीं तो लहरों और किरणों का क्या वजूद। प्यारे सुंदर साथ जी मैं हमेशा अपने नाना नानी से सुनती रहती हूँ कि जागृत बुद्धि भी हमें श्री राज जी महाराज ही देते हैं जिनसे हमें उनकी पहचान होती है, परंतु मुझे तो हर पल एहसास है कि वह हमारे मेरे साथ ही हैं। अभी भी यदि आप देख सकते हैं तो वो मेरे से साथ ही हैं। आपको क्या लगता है ये मैं बोल रही हूँ? नहीं, ये तो मेरे माध्यम से स्वयं श्री राज जी महाराज ही बोल रहे हैं। मैं स्कूल जाती हूँ तो वो मेरे साथ स्कूल जाते हैं। मैं होमवर्क करती हूँ तो वो मेरे साथ होमवर्क करते हैं। मैं खाना खाती हूँ तो वो मेरे साथ खाना खाते हैं। अब आप ही बताइए मुझसे कहाँ अलग हूँ। मेरा नाम अंशिका इसलिए पड़ा क्योंकि मैं उस पूरम पारब्रह्म श्री राज जी महाराज का ही अंश हूँ। अंत में मैं आप सभी सुंदर साथ के चरणों में ये विनती करती हूँ कि हम श्री राज जी महाराज के हैं और वह हमारे हैं, इसलिए सभी बुराइयों को छोड़कर सबसे प्रेम करें एवं एक दिल हो जाए। प्रणाम जी।